एंड आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग। एंड काफ़ी टाइम के बाद मैं स्ट्रीट फूड ट्राई करने आई हूँ। जब से कोविड हुआ, जब से लॉकडाउन हुआ, तो दिस वॉज इरिटेटिंग गाइज। सो जब से लॉकडाउन हुआ तब से जो है मैंने यू नो स्ट्रीट फूड्स खाना थोड़ा कम कर दिया था, एक्चुअली बंद कर दिया था, बिकॉज वी नो कि ये सेफ़ नहीं है। बट फाइनली आई फाउंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन की ध्यान दी गई है, हाइजीन वाइज बहुत ही अच्छा है। एंड ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ आना सबके लिए पॉसिबल है एंड इट्स टू ईजी एंड बहुत ही न्यू सा कॉन्सेप्ट है। हमने यहाँ पे अक्सर देखा है यू नो मोमो का ठेला, लिट्टी का ठेला, समोसा का, चाय का, बट मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि हमारे मुजफ्फरपुर में भी यू नो लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरह पास्ता का ठेला लगे, बर्गर का ठेला लगे, पिज़्ज़ा का ठेला लगे, बट यहाँ पे कभी मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। बट फाइनली हमारे शहर में बर्गर का अलग से एक काउंटर लग गया है जो कि यहाँ पे है। और बाकी सारी डिटेल्स क्या क्या है वो सब मैं आगे आज की वीडियो में दिखाऊंगी। बस सबसे पहले बताती हूँ कि मैं अभी खड़ी कहाँ पे हूँ। मैं अभी खड़ी हूँ आप मेरे पीछे वहाँ पे देख रहे होंगे ग्लैंड मॉल है और यहाँ पे M.D.D.M. है। उससे थोड़ा सा पहले ही लाइक आप मिठनपुरा चौक से जब क्लब रोड के लिए आते हैं तो आपको इधर में लेफ़्ट साइड में ये स्टॉल दिखेगा। हमेशा ये लोग यहीं पे लगाते हैं, तो आप देख सकते हो। मैं अगर इसको आपको दिखा दूँ तो बहुत ही ईजी है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं मैप लोकेशन भी दिखाऊँगी। और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काउंटर एंड पूरा एरिया तो दिखा दिया। इस जगह का नाम है ओके बर्गर, ओके 18 बर्गर। ओके, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे दो टाइप के सबसे पहली बात जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये फुल्ली वेज है। एज यू ऑल नो कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट जगह है। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे वेज बर्गर्स। मेरी इनसे अभी बात हुई थी, मैं पॉसिबल होगा तो मैं बात करवा दूंगी। ये लोग और भी अभी प्लान कर रहे हैं, बट फिलहाल अभी बर्गर्स हैं एंड इनके पास अभी है दो टाइप के बर्गर। आलू टिक्की क्रिस्पी बर्गर, मैं प्राइस पहले ही बता देती हूँ। इसका प्राइस है 35 रुपीज़, 35 सर, हाँ 35 रुपीज़। एंड पनीर टिक्की क्रिस्पी बर्गर उसका प्राइस है 55 रुपीज़। अगर आप उसमें एक्स्ट्रा चीज़ डलवाना चाहते हैं तो आपको प्लस 15 रुपीज़ देना होगा। दैट मीन्स अगर आप आलू टिक्की में 45 प्लस 15 ऐड कर दीजिए तो 50 रुपीज़ का हो गया। एंड 55 में 15 ऐड कर दीजिए तो 70 रुपीज़ का पनीर वाला क्रिस्पी बर्गर हो जाएगा। तो अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ पनीर टिक्की क्रिस्पी बर्गर एंड लेट्स सी कि टेस्ट कैसा होता है। मैंने मेकिंग प्रोसेस भी थोड़ा सा दिखा दिया, वो लोग कैसे कैसे बनाते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी तक जैसे कभी भी ऐसे ठेले में बर्गर खाया है तो वो लोग डालते हैं टमाटो सॉस लोकल वाला, और कभी भी चीज़ नहीं होता है उनके पास। और वो लोग टिक्की मतलब कभी पनीर वाला तो मैंने खाया नहीं है, और वो भी क्रिस्पी है ये, और आलू वाला खाया है, उसके ऊपर से वो लोग चाउमीन और पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। तो ये जो एक्चुअल जो बर्गर होता है वो मेकिंग जो मैंने देखा है वो एग्जैक्टली वैसा ही है। एंड इस तरह से उन्होंने ये पेपर में रैप करके दिया है। एंड मैंने दिखाया ही आप लोगों को वो लोग जो है ग्लव्स पहन के बनाते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ एंड फिर बताती हूँ कैसा है। गाइस इज एक्चुअली गुड। जो यू नो पनीर में जो क्रिस्पीनेस आना चाहिए वो मुझे आ रहा है एंड अच्छा लग रहा है। गुड, ट्राई कर सकते। सो गाइस मेरा बर्गर तो हो गया फिनिश। अब मैं बात करती हूँ यहाँ के ओनर से और पूछते हैं कि इन्होंने ये चीज़ कब स्टार्ट की है, क्योंकि मुझे तो यहाँ के बारे में रिसेंटली पता चला। तो पता करते हैं मिस्टर, आपका नाम? विक्की रॉय। ओके, तो ये है विक्की रॉय और ये है ओनर ओके 18 बर्गर के ओनर। तो आप बता दीजिए ये कब से आपने स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट करके मुझे ये मैंने कोविड-19 से पहले 10 दिन पहले ओपन किया था। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। और अभी कोविड-19 में ऑफ था, फॉलो कर रहा था गाइडलाइन, और कोविड-19 के बाद अभी मैं M.D.D.M. से ओपन किया हूँ और ये M.D.D.M. कॉलेज के जस्ट पास में है। और यहाँ पे मैं बहुत ही बढ़िया एक बर्गर खिला रहा हूँ लोगों को, जो वेज है। नॉनवेज में फिलहाल नहीं रखता हूँ, सिर्फ वेज है, ऑनली वेज। आलू टिक्की क्रिस्पी बर्गर, पनीर टिक्की क्रिस्पी बर्गर, चीज कस्टमाइज है। ओके, और ये मैं लोगों को खिला रहा हूँ यहाँ पर, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। और मैम आई है, मैम का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, उसके लिए ज़रूर ज़रूर। मैं तो गाइस बोलूँगी आप लोग एक बार आके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू उससे बात करने के लिए। अगर आपका कोई कांटेक्ट नंबर है तो आप मुझे दे दीजिएगा डिटेल्स, तो मैं ऐड कर दूँगी। ओके, सो गाइस जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने इसको ओपन किया था लॉकडाउन होने से 10 दिन पहले, बट लॉकडाउन होने की वजह से इनको ये बंद करना पड़ा एंड फिर से इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। 10 दिन पहले से स्टार्ट किया है और इनकी मतलब भीड़ अभी काफ़ी टाइम, थोड़े से पहले बहुत भीड़ भी था यहाँ पे और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मुझे भी बहुत पसंद आया। इनकी वेराइटीज़ और भी आने वाली है और पॉसिबल, मैंने जैसा बताया, अगर पॉसिबल होगा तो मैं मैप लोकेशन यहाँ का शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है, अगर आपको एड्रेस में आने में प्रॉब्लम होती है तो आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पहले आ चुके हैं, आपने टेस्ट किया है, कुछ भी किया है, तो आप कमेंट करके हर एक क्वेश्चन आंसर जो भी अपना फीडबैक है वो शेयर कर सकते हैं। और सॉरी गाइज, यहाँ पे ऐसे मैं जगह पे हूँ, आप पता ही है, यहाँ पे भी रोड भी बन रहा है और ये ऐसा जगह हब है जहाँ पे इतना क्राउड होता है हमेशा, इस वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा होगा, तो उस चीज़ के लिए सॉरी। और करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड। ये वीडियो उतना ज़्यादा लंबा नहीं था बट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप लोग फूडी हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड बाय। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। बाय।